का स्पेस बनना है, इसके लिए जगह इनको गाड़ी लाना ले जाना ये दो फूल लगे, उस पर कैसे कॉपरेट करते हो आप ही थोड़ा सा संस्थापन हो जो जायज बात है उसको कर रहे हैं। और उनसे भी मेरा निवेदन है कि इतना दिन हो गया व्यापारी सड़क पर नहीं आएगा, अगर ये भारत मान अभी बची है कितनी है 26 है, ये 26 दुकान का रोज जो यहाँ काम करता चलता है उससे इनका खर्च चलता है। जवाहर नगर फ्रूट मार्केट को तोड़ने के लिए आया था, जिसको वहाँ के व्यापारियों को जिससे तकलीफ हो रही थी और व्यापारी जिनका रोज का काम वहाँ पर चल रहा था वो काम बंद हो जाता, तो तोड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था उनकी की जाए इसको लेकर निगम के अधिकारियों से भी हम लोगों ने चर्चा की, कमिश्नर साहब से भी चर्चा की, नगर निगम के महापौर जी से भी हम लोगों ने चर्चा की और तत्काल नगर निगम के कमिश्नर और महापौर जी ने सुभाष स्टेडियम के पास में वैकल्पिक व्यवस्था उन दुकानदारों के लिए की है, क्योंकि नया बाजार बन रहा है, नया सेटअप हो रहा है, तो व्यवधान हो रहा था, दुकानों के कारण सामान नहीं जा पा रहा था बिल्डिंग बनने के लिए, इसलिए ये व्यवस्था वहाँ पर खराब हो रही थी, जिसको लेकर सवेरे से हम लोग वहाँ डटे रहे और लोगों के लिए दो दिन की मोहलत भी हम लोगों ने ली है कि दो दिन तक ये तोड़फोड़ को रोक दिया जाए ताकि लोग अपनी दुकान का वहाँ सेटअप कर सके। अधिकारी साहब के सामने मैंने ये सब बोला, एक मई की बैठक करवा सर बता।